व्यक्ति दोष, व्यक्ति दोष इसे कहा जाता है। व्यक्ति नहीं होकर के दूसरी स्थानों पर जो लगता है उसे कहा जाता है व्यक्ति दोष कहा जाता है। दोष दोष मान फॉल्ट्स। प्रेम की तात्पर्य जो क्या है, प्रीति करना। प्रेम की प्रिय प्रिय वस्तु के सुख देना ही प्रीति के लक्षण कहा जाता है। क्या बोला? प्रीति के लक्षण है, एक होता है। किंतु यहाँ पर माँ यशोदा कृष्ण के स्तनपान नहीं करा रहे, क्योंकि जब कृष्ण जब माँ यशोदा के स्तनपान करने लगे और उसी समय दूध जो है उबाल, तो माँ यशोदा दूध के बचाने के लिए जब गई है तो कृष्ण क्या हो गए, कृष्ण को अपने बकस्थल से वो हटा दिया, तो कृष्ण से प्रसन्न नहीं हुई। प्रीति के लक्षण क्या है? कृष्ण, इसलिए कृष्ण के आ गया क्या, गुस्सा आ गया। तो कृष्ण के जब गुस्सा आ गया, कृष्ण ने क्या किया, कोदी धो करके वो मुटकी फोड़ दिया। अच्छा, यही यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर जो कर रहे हैं, यहाँ पर दोष लग गया। लोग कहने के तात्पर्य कृष्ण रोच माना होनी चाहिए, कृष्ण रोच माना, कृष्ण की रुचिकर हो, रुचिकर माने कृष्ण प्रसन्न हो बस। किंतु यहाँ पर दिखा रहे गया कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहा, अप्रसन्न हो रहा है, क्योंकि माँ यशोदा कृष्ण के जो है दूध पान से हटा दिया, तो कृष्ण दुखी। तो ये दोष लग रहे, प्रीति के लक्षण क्या हो रहा है, ये दोष लग रहे हैं। प्रीति के लक्षण क्या था, प्रियजन की अपने इष्ट देव के क्या होनी चाहिए, सुख होना चाहिए। एक मिनट, कृष्ण के सुख नहीं हो रहा, क्यों? जब चाणूर्मुष्टि के साथ लड़ने में, किंतु चाणूर्मुष्टि जो युद्ध कर रहे थे हैं, उनके लक्ष्य क्या था, कृष्ण के सुख देना नहीं, कृष्ण के मारना। वो लक्ष्य वस्तु उनके दूसरी था, किसका, चाणूर्मुष्टि का। यद्यपि कृष्ण प्रसन्न हो रहे चाणूर्मुष्टि के साथ मल्ल युद्ध करके, किंतु इसे कहा जाए व्यक्ति दोष हो रहा है इसमें। तो भक्ति को क्या हो रहा है, ऊपर से सुख होने पर भी, किंतु वास्तव रूप में भक्ति नहीं हो रहा है, आ समझे। आज दूसरी क्या दिखाई रहे, माँ यशोदा की कृष्ण के सुख नहीं हो रहा, किंतु वो कृष्ण सेवा, कृष्ण की सेवा हो रही, ये कहते जा रहे। इसलिए संस्कृत में एक होता है व्यक्ति दोष और दूसरी है अव्यक्ति दोष कहा जाता है। माँ यशोदा कृष्ण के अपने स्तन पान से जो विरक्त कर दे, मैंने रुद्ध कर दिया, इसने किस लिए, कृष्ण के भावी सुख के लिए। क्या बोला, आने वाले दिन को सुख के लिए। आने वाले दिन क्या है, नहीं अभी कृष्ण स्तन पान कर रहे हैं, थोड़ी बाद में वो दूध के जिद में रक्षा नहीं करूं, माँ जो सोच रही है, थोड़ी बाद में जब कृष्ण कहेंगे माँ मुझे पनीर लाओ, खीर लाओ, राबड़ी लाओ, कहाँ से ले आएंगे, इसके दूध के जो रक्षा करना ये जरूरी था। इसलिए कृष्ण की वास्तव में देखा जाए ये कृष्ण के ही, कृष्ण सुख के लिए ही माँ यशोदा कृष्ण के स्तनपान से उसको हटा दी है। ऊपर से दोष दिखाई पड़ रहा है, किंतु वास्तव रूप में वो गुण रूप में दिखाई पड़ रहा है। और चाणूर्मुष्टि के जो ऊपर से कृष्ण सुखी हो रहे मल्ल युद्ध कर रहे, किंतु चाणूर्मुष्टि के जो कार्य जो था, क्रिया था, वो विद्वेष मूलक था। क्या था, विद्वेष मूलक था, इसलिए वो अव्यक्ति दोष में चले जाते। जिसे कहते हैं व्यक्ति दोष और अव्यक्ति दोष, ये होता है।
समझे, ये संस्कृत लोगों के लिए आया, तुम्हारे लिए नहीं। तो दादा जी जैसे मान करती हैं और कृष्ण को कष्ट होता है क्योंकि उनसे बात नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो वहाँ पे ये दोष ये तो नहीं आता, ये सब नहीं आएगा ना, ये वस्तु व्याप्ति उसमें कृष्ण प्रसन्न हो रहा है। किस में? राधा जी मानवती होकर के व मान करके जब कृष्ण के जब गाली देते हैं व कटाक्षपात करते हैं, भूकुटिल आदि करते हैं, भूकुटिल समझ है, तो इसमें क्या है, माधुर्य रस में ये दिखा रहा है, क्योंकि हर रस की अलग अलग उसकी क्रिया आदि कहा जाता है, समझ में आया, ये दिखा रहा है। क्या बोला? हर रस की अलग अलग क्रिया दिखाई देती है, माधुर्य रस ये वात्सल्य रस में यहाँ तक दिखा दिया है। क्या दिखा? ये कृष्ण कहाँ तक सुखी हो रहा है और कृष्ण कहाँ तक दुखी हो रहा है, इसलिए ये सब विचार दिखा रहे हैं। ये आपके काम नहीं है, किसके काम है? ये पंडित लोग जो उसके काम है बेकार, ये सुन ये करके क्या बोलो? उस समय आपने बांग्ला में बोला था तो ये वाली लाइन उस समय निकल गई थी, समझ नहीं आई कि आपने बोला था कि अन्य अभिलाषी था, सुनता था मुझे हाँ, तो मुझे ये समझ नहीं आता था लेकिन सुनने में आनंद होता था। गुरुदेव आप रामगढ़ में बोल रहे थे कि जो जब बलराम प्रभु ने रास किया था तब उसमें उन्होंने क्या कहते हैं कृष्ण पक्ष में गोपियां भी थी जो साधन सुधा थी, मतलब क्या वो भी थे उसमें? कहाँ पर? रामगढ़ में जो आपने कथा सुनाई थी, रामघाट में। अच्छा हाँ, तो उसमें जब आप कह रहे थे बलराम मेरे रासस्थली है ये, तो उसमें कहाँ तक सुने आप? जहाँ पर जो बलराम की जो रास हुई, बलराम के जो गोपियाँ जो अलग थी, कृष्ण के गोपियाँ अलग थी, इसलिए कह रहे कृष्ण पक्षीय गोपी कहा जाता है, और एक होता है बलराम पक्षीय गोपी है। बलराम प्रभु भी रास करते हैं क्योंकि बलराम जो है अभिन्न कृष्ण तो माना जाता है, है? इसलिए बलराम प्रभु जो रास जो कर रहे हैं, किंतु इसमें जो बलराम के जो पक्ष क्या बोले कृष्ण पक्ष की गोपियाँ जो वहाँ पर सम्मिलित हुई, वो इसलिए जो है उन लोग के विरह आदि के जो है ताप को दूर करने के लिए वो लोग शामिल हुई थे। कौन? कृष्ण पक्ष गोपियाँ शामिल हुई थी है। रास कहने की यह तात्पर्य है रसते आसाद्यते इति रास, जहाँ पर प्रेम रस आस्वादन होता है वहीं पर रास कहा जाता है। रास शब्द की कोई गलत शब्द नहीं है, जैसे महाप्रभु के लिए भी कहा जाता है संकीर्तन रास कहा जाता है, ये भी तरह शब्द है। रास शब्द की अर्थ है सर्वे मिलित्वा, सब लोग एक साथ में मिल करके, जहाँ पर अनेक प्रकार के नृत्य गीत होता है उसी रास कहा जाता है। रसते आसाद्यते इति रास, क्या बोला? हाँ सब पंडित बन गए, पंडित बन गए कि नहीं? अच्छा है ना, जहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं, तो यहाँ पर जो अनेक जो है गोपियाँ एकत्रित मिलित हुई, किंतु कृष्ण पक्ष जो गोपियाँ जो है बलराम के रास में सम्मिलित हुई, वो केवल सम्मिलित हुई, वास्तव रूप में वो लोग इतने उल्लसित नहीं था, क्योंकि उन लोग के जो प्रेम जो है इसे मैंने कहा था उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। ब्रज के प्रेम के तीन रूप में विभाजन करके देखा है, एक उत्कंठामयी प्रेम और एक विवेक शून्य प्रेम और एक विश्रम प्रेम है। ये ब्रजगोपियों के जो प्रेम जो है उत्कंठामयी प्रेम के तात्पर्य है साक्षात रूप में कृष्ण के दर्शन करना है। किसी प्रकार शाप्निक अथवा आगतिक रूप में नहीं है, है? आगतिक माने अकस्मात प्रकट हो जाना, इसके आगति कहा जाता है।
है, जैसे आप लोग अकस्मात आ गया है कि नहीं, बिना बुलाए बिना समाचार दे हुए जो आ जाता है उसके क्या कहा जाता है, आगति कहा जाता है। जैसे ये बोला ही नहीं तो चले गए थे गोवर्धन है, आज अकस्मात जो है परिक्रम में शामिल हो गया वृंदावन परिक्रम, इसे कहा जाता है आगति कहा जाता है। इसलिए गोपियों की प्रेम के जो उत्कंठा मई और कृष्ण के साक्षात रूप में दर्शन कर, बलदेव प्रभु तो आए थे वो गोपियों की संतना देने के लिए है, किंतु संभव नहीं हुआ, क्योंकि उनके और भी जो है विरह ताप जो है और भी क्या हो गया, वर्धित हो गया है। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, अल्प अग्नि हो आग हो उसमें थोड़ा पानी देने से बुझ जाता है, यहाँ पर बृहत अग्नि हो वहाँ पर थोड़ी सी पानी देने और भी आग बढ़ जाती है। बलदेव प्रभु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, है? किंतु तथापि गोपियों की कृष्ण यहाँ पर कौन सा गोपियों, कृष्ण पक्षीय गोपियाँ जो है साधन पराठा ये सब नहीं बोल रहे, रास में तो सभी लोग एक्स हो जाता है शामिल होता है सब प्रकार की गोपियाँ, किंतु विशेष करके यहाँ पर जिस प्रसंग जो ट्रैफिक जो कार्य है बलदेव प्रभु जो रास जो है उस बलदेव प्रभु के रास में कृष्ण पक्षीय गोपी भी सम्मिलित होती है, वो भी ऐसे उनके बुलाया गया था है, चलो हमारे घर में आप कीर्तन हो रहा है इतना ही तो बस वो लोग आए, किंतु वो लोग सब दुखी थे उल्लास नहीं है। तो दूसरे भी कहते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये तो संभव नहीं है, है? क्योंकि ब्रज के एक नियम होता है जी, बलदेव प्रभु जेठ होने के नाते जेठ के सामने नित्य गीत ऐसे कैसे करेंगे, है? ये तो आप मॉडर्नाइज नहीं हो रहा ना मॉडर्न में क्या होता है, जेठ और सभी कट्ठे हैं, सब एक साथ में, सब एक साथ में जो कोई बात नहीं है, अभी तो लोगों के पता ही नहीं है घूंघट लगाना है ये पर सिर पर है? देते हो कभी नहीं देते है, किंतु ब्रज के रीति के अनुसार क्या है, ब्रज गोपियाँ जो है अपने घूंघट लगा कर चलते है, अच्छा घूंघट नहीं लगा, घूंघट नहीं लगा कम से कम कपड़ा तो सिर पर रखो, वो भी नहीं रखते आजकल है, रखते है? नहीं रखते, चलो देश काल पात्र, क्योंकि आजकल लोग क्या बोलते हैं टीवी आदि देखते रहते और उसके जो है मॉडर्नाइज मानते हैं, उसके सभ्य मानते हैं, है ऐसे है? वो उसके सिविलाइज मानते हैं, जितने माने क्या बोले क्या शब्द बोले, जितने उन्मुक्त होकर रहे उतना ही उसको सभ्य नहीं बोलते हैं, हाँ समझे, वो ये बोल रहे थे बोले बागेश्वर के जो क्या जे बागेश्वर धाम जो भूत के छुड़ाते हैं हनुमान जी के है, वो बोल रहे थे बोले अच्छा मत बोला है, बोले आजकल जो है छोटी कपड़ा पहनते हैं, बोले कपड़ा तो गाय वो बोले बंदर तो कपड़ा नहीं बनते वो सिविलाइज है, तो ये सब ठीक नहीं है, इसलिए है ब्रज की जो रीतियां जो है ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ब्रज की वेद उपनिषद ये समस्त जो है प्राचीन धाराओं के जो सभ्यता संस्कृति के लेके चल रहे हैं, लोग उसके कहते हैं वो सब चला गया अभी मॉडर्नाइज हो गया, मॉडर्नाइज क्या है, वास्तव सभ्यता संस्कृति तो हमारे वेद भागवत पुराण ये दिखाते हैं,
है, ये समस्त दिखाते प्रेम की सौंदर्य माधुर्य जहाँ पर प्रकाशित होते है कि नहीं, किंतु लोग उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ समझे, है साड़ी तक नहीं पहनना नहीं जानते है। कभी कभी टीवी में देते हैं ना, देख टीवी यूट्यूब में देते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट में जिससे नए आई है ना, वो साड़ी पहन करके जाते और तब जो क्या बोले कुछ लड़कियां जो उसको ये करते हैं, फिर उनका अच्छी तरफ से सबक सिखाते हैं, देखा है ना। तो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये दिखाओ है, ये जब तक नहीं हो वास्तव रूप में भक्ति में वो प्रवेश कर नहीं पा रहे। भक्ति की तो भक्ति तो उसी प्रकार की कहा जाता है कि नहीं, ये दिखाते। इसीलिए बलदेव प्रभु की रास में जो कृष्ण पक्ष या गोपियां जो सम्मिलित हुई थी वो केवल उस दिन उनके लिए ही बस आए थे। और यदि कहो जी के जो विरह में तड़प रही थी बलदेव प्रभु के देख करके उनकी कृष्ण की उद्दीपना हुई है, थोड़ा बहुत उनके हृदय में कृष्ण विरह जो है उसके कम होने लगे है, कृष्ण के प्रति जो विरह जो है वो थोड़ा कम होने लगे है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं यदि कहे नहीं ऐसे कैसे हो जाए है, जेठ के सामने कैसे आ गए, इसे दोष लगे। तब कह रहे हैं जो देखो इस संसार पृथ्वी लोक में जितने ही नियम कानून कहा गया पाप पुण्य ये पृथ्वी लोक में ही है, है? चित जगत के स्वर्ग जगत स्वर्गलोक में भी ऐसी नहीं है, पाप पुण्य के विचार स्वर्गलोक में नहीं है, ये मर्त्यलोक में ही है। इसलिए तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम छिने पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, इस संसार में लोग पुण्य आदि करके फिर स्वर्गलोक में जाते हैं और स्वर्गलोक की वो भोग आदि करके माने अनेक प्रकार सुख ऐश्वर्य आदि भोग करके फिर मृत्युलोक के आ जाता है। तो शास्त्र में जितने भी बात कही गई पाप पुण्य की जो है विधि निषेध के जो कुछ है, है ये इस जगत का ही है माने मृत्युलोक के है, समझिए। किंतु वैकुंठ आदि में भी वैकुंठ आदि में भी नहीं दिखा रहे, वैकुंठ में कोई पाप करता है थोड़ी, कोई पाप नहीं शब्द नहीं है, और उसके ऊपर गोलोक वृंदावन, तो गोलोक वृंदावन में पाप कहाँ रहेगा है? और भगवान के नित्य धाम नित्य परिकर जो है जिनके नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई जत पाद पंकज, जिनकी चरण कमल की स्मरण करके बड़े बड़े मुनि लोग संसार से मुक्त होकर चले जाते हैं, और ऐसे लोग भगवान के नित्य परिकर राधा आदि गोपियों की कोई पाप थोड़ी लगेगा, नहीं लगता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में ये श्लोक भी आ रहे हैं है? जिनकी चरण कमल की स्मरण करके मुनियों बड़े बड़े मुनि लोग संसार से मुक्त हो जाते हैं है? समझ में आ रही कि नहीं, और ऐसे राधा आदि गोपियों की पाप कैसे लग जाएगा है? अरे उनके नाम कृष्ण नाम लेने से जितना आपकी फल होगा उससे सैकड़ों गुना फल होगा, किस नाम से? राधा आदि गोपियों के नाम ग्रहण करने से, राधा आदि गोपियों के स्मरण करने से उससे तुम्हारी कल्याण हो जाता है। तो राधा आदि गोपियों की कैसे ऐसे कैसे हो जाएगा जी, उन लोग के दोष कैसे लगेगा, दोष नहीं लग सकता। इसलिए ये समस्त विचार यदि दिखा रहे हैं, इसलिए इस समस्त राज बलदेव प्रभु क्यों, तथापि बलदेव प्रभु 2 महीने तो रहे किंतु कृष्ण पक्ष गोपियों की जो है वो
उनकी विरह की जो है प्रशमित कर नहीं पाए, माने कब कर नहीं पाए। आज कृष्ण के लिए ही वो तड़पने लगे, बस यही होता है। क्योंकि विरह ही जो है प्रेम की उत्कर्षता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? प्रेम की उत्कर्षता। उत्कर्ष समझते हो? है वो क्या दिखाता है? विरह दिखाता है। विरह जितना ही होगा उतना ही परिमाण मिलन रस की आनंद होगा। यही अपराजित चित जगत में प्रेम की परिभाषा कहा जाता है, है? न बिना विप्रलंबे नो क्या चल रहा है? अच्छा वो एसी चलते नहीं, हाँ ये एलर्जी आ जाती। न बिना विप्रलम्बे न संभोग पुष्टि मे। जब तक विप्रलम्ब नहीं हो, विरह नहीं हो, मिलन रस की आसादन नहीं होता। यही विरह ही कहते हैं, मिलन की ये कराते हैं। कहते है? मिलन रस की जो है पोषण करते हैं, ये सब दिखाती है। आज समझ उद्धव भी आया, उद्धव आकर के तो हैरान हो गए। ये ब्रजगोपियों की ऐसे विरह, ऐसे विरहिणी ब्रजगोपियों के ही छोड़ करके कृष्ण मथुरा में कैसे रह रहे हैं? आश्चर्य की बात। ऐसे प्रेमी भक्तों के छोड़ करके कृष्ण मथुरा में क्यों रह रहे हैं? प्रश्न आता है ना, क्योंकि हर व्यक्ति कहाँ रहना चाहते हैं? जहाँ पर प्रेम प्राप्ति हो, स्नेह प्रीति माले। सब लोग चाहते कि नहीं चाहते? एक कुत्ता भी चाहते, एक रोटी के टुकड़ा दे दो कुत्ता, एक दिन दो दिन तीसरे दिन दो, सोचेंगे मेरा मालिक है, उनके घर से बाहर नहीं जाएंगे। है कि नहीं? अच्छा बताओ। तो प्रेम की तो, किंतु कृष्ण ऐसे ब्रजगोपियों की प्रेम, ब्रजगोपी को छोड़ करके मथुरा में क्यों रह रहे हैं? ये उद्धव विद्या, अपने विद्या बुद्धि पांडित्य द्वारा इतना ही शब्द कहा गया है। भगवती नांग विरहेनो, विरहेनो में महाभाग में अनुग्रह कृत। आप लोग के जो विरह, वास्तव रूप में ये विरह विरह नहीं, मुझे अनुग्रह करने, कृपा करने के लिए आप लोगों ने ये विरह प्रकट किया। अर्थात कृष्ण से विच्छेद होना संभव नहीं। भवती नांग महाभागा विरहेनो में अनुग्रह कृत, मुझे अनुग्रह करने के लिए आप लोगों ने कृष्ण के प्रति जो विरह आदि प्रकट किया। क्योंकि विरह के द्वारा ही क्या होता है? प्रेम की नाप हम कर सकते हैं, वी कैन मेजरमेंट द लव। प्रेम की नाप कब कब कर सकते हैं? विरह में होता है, मिलन में नहीं होता है। क्यों? मिलन में समय हो सकता है, शरीर के साथ मिलन हो, किंतु मन कहीं नहीं चले जाता, कहीं चले जाता है। ये शब्द दिखा, एक प्रिय प्रियजन के साथ जो जो मिलते हैं, शरीर के साथ मिलन हो सकता है किंतु मन दूसरी जगह चले जाता है। विश्व के पारकीय भाव में और भी तो सबसे भय संत्रास भरा रहता है, भाई समझते ना, डर रहता है। ये कृष्ण के साथ जो मिलन जो है, ये इन लोगों के लिए क्या अति दुर्लभ कहा जाता है। दुर्लभता, बम्मता, प्रचंड कमकता और निवारणता, ये चार जो है वस्तु रहता है परिज्ञा में।
कभू मिले कभू ना मिले दही बेर घटन, कभी कृष्ण के साथ मिलन होता है कभी भी नहीं होता है, इसलिए दुर्लभता कहा गया है। क्योंकि कृष्ण जो लीला आदि कर रहे हैं ये अतीब दुर्लभ है, इसलिए दुर्लभता है। इसलिए कहते कभू मिले कभू ना मिले दही बेरे घटन, गोपिया तो घर छोड़ करके बाहर आ जाती है किसी बहाना से, सूर्य पूजा के छल से हो अथवा जमुना से पानी भरने के लिए, अथवा कह दिया मैं कहीं जा रही हूँ दूसरे के घर में कुछ सामान लेने के लिए मैं जा रही हूँ, ये तो आ गया घर से बाहर। किंतु कभी कभी जोग माया क्या करती है, गोपियों के साथ मिलन होता है कभी कभी नहीं भी होता है, हर समय यदि मिलन हो जाए मिलन की रस ये नहीं रहेगा, माधुर्यता नहीं रहेगा, इसलिए कभू मिले कभू ना मिले दही बेर घटन, जोग माया कोरिवेक अपना प्रभाव। गोपियों के साथ कृष्ण के जो मिलन जो है वो कभी जोग माया मिलाती है और कभी जोग माया बिछोड़ देती है, ऐसा यही कहते हैं। इसलिए दुर्लभता आ गई, निवारणता अपने पति सास ननद है, ये लोग क्या करते हैं बाधा डालते रुकते हैं, है? ये इतने समय रात के समय कहाँ जा रही है, शाम हो गई इस समय कहाँ जा रही है, कहते ये बाबरी हो गई पागल हो गई। तथापि पागल के क्या कर किया जाता है, इसके घर में बंद करके रखो है। इसलिए कुछ कुछ गोपियों के क्या की, उनकी गुरुजन जो है उनके गृह में बंद कर रहे, कौन सा गोपियों के ये समझते गोपी कृष्ण के प्रति अभी तक अनुराग उत्पन्न नहीं हुई, अथवा नित्य सिद्ध जो गोपियां जो है राधा उनकी उनके उनके साथ अनुराग उत्पन्न नहीं है, ये जरूरी है। कृष्ण के साथ मिलन में जनाजनी कितने रूल्स रेगुलेशन है, उस दिन मैं कहता हूँ लक्ष्मी जी एक एक मानने के लिए तैयार नहीं है, तथापि भगवान कृपा करके उनके ले लिया, कैसे लिया, अपने बक्ष स्थल में वाम अंग पर एक स्वर्ण रेखा के भांति ले लिया है, आज यही दिखा रहे ये दिखा दिया। तो गोपियों के इसलिए किंतु जिस समस्त गोपियां घर में दरवाजा बंद करके रही है, अर्थात उनके गुरुजन लोग उनके दरवाजा में घर में रख दिया, किंतु कृष्ण विरह में इतने तन्मय हो चपटाने लगे और उनके जितने प्रकार की कसाई जो है सब दूर हो गए, और वही लोग आत्म शरीर में जाकर के कृष्ण के साथ रास में सम्मिलित हुई है, ये भी दिखा रहे है। ये सब भी दिखा रहे है। किंतु ये तो जोग माया की तरह करते, नानी जी ने इसके पीछे नानी जी ने कितने कल्पक है और ये समस्त लीला आदि होती रहेंगे, क्योंकि बोलने के समय एक शब्द में बोल दिया किंतु कितने कल्प लग जाता है, है? तो ये समस्त जो लीला आदि दिखाया गया है गोविंद के साथ लीला आदि दिखा, इसलिए कभू और क्या हृदय में उनके कृष्ण के प्रति मिलन में इतने उत्कंठा भरी रहती है, जिसके कहते हैं प्रचंड कामुकता कहा जाता है। यहाँ पर काम शब्द देखते प्रेम, ये प्रेम को जो है प्रेम ऐसे एक वस्तु है उसको दिखाया नहीं जाता है, प्रेम को क्या रखा जाता है कपूर के भांति उसको ढक करके रखा जाता है, जिस प्रकार कपूर के यदि खोला दिया खोल क्या बोले खुले में रख दिया जाए वो क्या हो जाएगा वो उग जाए, उसी प्रकार प्रेम ऐसे एक वस्तु है उसके जितना ही परिमाण उसको
ढक्कन लगाकर अभी तक रखा जाए, वह प्रेम की माधुर्य था उतना ही प्रकाश होता है। आश्चर्य भगवान में ऐसे लीला करें, इसलिए और जिसका बाम्मोता किस लिए, यही बाम्मोता जो है एक अमोघ अस्त्र कहा गया, अस्त्र समेत ये वेपन कहा गया है कृष्ण के वशीभूत करने के लिए। गोपियों की जो बाम्मोता ये विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहा है, इस जड़ जगत में तो है ही नहीं है, इस जड़ जगत में भी नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में नहीं कहा रहे। वैकुंठ में लक्ष्मी की क्या कहा, क्रोध कहा गया है, और द्वारिकापुरी में सत्यभामा के बाम्मोता को क्या कहा गया, आवास है, देखो बम्मा आवास आवास कहा गया। और गोपियों में ये प्रेम जो है बाम्मोता जो है वो अत्यंत सच्च निर्मल होकर के रहता है, किंतु गोपियों के हृदय में एक विशेष भाव रहता है, निरम तरंग बसिक कृत प्रतीति नंद नंदने कदा करी शस्य मांग कृपा कटाक्ष। गोपियों के सेल्फ कॉन्फिडेंशन है, ये कृष्ण हम लोग के छोड़कर कहीं जाएंगे कहां, ये विशेष है गोपियों के इस विवाह, इसलिए ये जो बाम्मोता आदि जो प्रकाश आदि करते रहते गोपियों वास्तव कृष्ण के वशीभूत करने के लिए। जिस प्रकार एक विशाल हाथी को जो है वशीभूत करने के लिए छोटा क्या चाहिए, अंकुश चाहिए, गोट उसके कान में लगा दो, हाथी के कान में लगा दो, वो अपने आप वशीभूत है, छोटा बच्चा भी इसको वशीभूत कर। तो उसी प्रकार गोपियों की जो बाम्मोता जो है ये अमोघ अस्त्र कहा गया, और इसी में प्रेम की उत्कर्षता बढ़ता है। जितने कथा को क्या बोले इनडायरेक्ट रूप में कहा जाए उस कथा की आनंद उतना ही बढ़ता रहता है। अभी टाइम क्या हो, किंतु जिस वस्तु के हम सरल रूप में कहते वो उतना नहीं होता है, इसलिए गोपियों की जो है ये बाम्मोता, बाम्मोता ही जो है ये परक्य रस के जो है विशेष है कहा गया, इस बाम्मोता के द्वारा वशीभूत कृष्ण के वशीभूत करने के लिए गोपियां यही बाम्मोता प्रकाश करते रहते हैं। क्यों कभी कभी साधारण रूप में दाक्षिण्यता प्रकाश आदि करते हैं, किंतु सब समय नहीं, बाम्मोता ही मूल कहा गया। पाड़ो रही है इसलिए प्रेम की एक प्रेम ऐसे एक वस्तु होता है उसके जितना ही आवृत करके रखा जाता है प्रेम की माधुर्य उतना ही बढ़ते रहता है। समझ में आया कुछ, जितना आ गया हजारों बार बोलते रह गए, हजारों साल बोल रहे कभी ना कभी तो सब समझ में आ जाएगा। हाँ किसके समझ में आया, हाथ उठा उसका हाथ। कृष्ण को वशीभूत कर सकते हैं, कृष्ण एक मानो मदमत्त पागल हाथी है, मगमत्त होती है हाथी के यदि मद पान कर दिया जाए हाथी क्या होता है, उन्मत्त हो जाता है, मदमत्त होती। ठीक उसी प्रकार कृष्ण एक मदमत्त हस्ती के भाती है, हाथी के भाती है ऐसे, क्योंकि कृष्ण स्वतंत्र शिक्षामय पुरुष है,
स्वतंत्र और स्वेच्छमय, ऐसे कृष्ण के वशीभूत करना कोई साधारण है? इसलिए कह रहे हैं वैकुंठ प्रेम के द्वारा कृष्ण को वशीभूत करना संभव नहीं होता। इसलिए कहते हैं दास सख वात्सल्य आदि प्रेम के द्वारा भी संभव नहीं होता, माने परिपूर्णता नहीं हुआ। किंतु माधुर्य प्रेम, उस माधुर्य प्रेम में विशेष करके राधा जी के प्रेम प्रेम के द्वारा वो वशीभूत बाम्यता का यही बाम्यता विशेष वैशिष्ट प्रीति के लक्षण हो जाता है। क्योंकि प्रेम जितना ही घनीभूत हो जाता है, और उतना ही प्रेम आगे बढ़ के सिंह बनता है। सिंह से मान प्रणय राग अनुराग भाव माँ बाप रूढ़ अधिरूढ़ मोहन एंड मादनक महाभाव, प्रेम के इतने स्तर बता दिए जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण के वशीभूत करना कोई साधारण नहीं है। और कृष्ण रसो रसो वही सब शास्त्र में गया, रसो रसो वही सब कृष्ण रस स्वरूप है। तो ऐसे कृष्ण के वशीभूत करना की साधारण थोड़ी है। सभीमान रहता है इस जगत में, किसके थोड़ी सी धन हो जाए पैसा हो जाए वो सभीमान होता था। सभीमान समझते कि नहीं, क्या फल्स एगो आ जाता है। मैं विद्वान हूं, मैं इतने पंडित हूं, जाने की क्या जरूरत है? मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं, किंतु भक्ति में क्या दिखाते हैं? भक्ति में ये नहीं था। इसलिए कहते हैं अभिमानं परित्यज्यं प्राकृतो बपुरादिषु, अभिमानं परित्यज्यं प्राकृतो बपुरादिषु, जड़ीय प्राकृतिक जिस शरीर के साथ अर्थ शरीर संबंध जो वस्तु जो है उस अभिमान को हमें त्याग देना है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष, ये त्याग देना कठिन है कि नहीं? मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं, पहले हमारे को कौन सा आया, कौन सा गुण है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये अभिमान आता है। इसके बाद क्या होता है? धन के अभिमान आता है। इसके बाद विद्या के अभिमान आ जाता है, कुल के अभिमान आ जाता है। आता है कि नहीं आता? कुल के अभिमान आ जाता है। मैं इसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अरे रक्ष शूद्र है, क्या करें, मैं ज्यादा जानता हूँ, अधिक मैं सुन, ये सब अभिमान का जी, अभिमान के तरह भगवान वशीभूत नहीं होते। इसलिए कहता है दिनेरे अधिक दया करें भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान। चैतन्य भागवत दिनेरे अधिक दया करें भगवान, तो इट्स वेरी सिंपल एंड आई मीन हम्बल दे लॉर्ड। हाँ क्या बोले, भगवान उसके कृपा कर देते। इसलिए कहते दिनेरे अधिक दया करें भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान। जो कुलीन उच्च कुल में जन्म लिया, विद्वान शास्त्र अध्ययन कर लिया, उनके अभिमान में भरा रहता है, इसलिए उनके ऊपर कृपा नहीं होती है भगवान। इसलिए कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान, दिनेरे अधिक दया करें भगवान। जो जितने दीनहीन हो जाते भगवान की कृपा उसकी वजह से। इसलिए दीनहीन दीनता ही क्या है, ये प्रेम के लक्षण कहा जाता है। क्या बताए, दीनता ही प्रेम के लक्षण। किंतु दीन कैसे हो जाए, सब रात में है ना। दीन माने हम दिया ही प्रभु हम मुझे, मैं कृपा के योग्य नहीं हूं। कई भक्त कह रहे प्रभु मैं कृपा के योग्य नहीं, दीन ही नहीं होकर, वास्तव उसके दिन होता है। इसके दिनेरे अधिक दया करें भगवान, कुलीन पंडित पंडितेर बड़ा ही अभिमान।
इनके अभिमान जहाँ पर अभिमान रहता है भगवान कृपा नहीं करते। हाँ सर, इसलिए कहते हैं निज कुल में। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान ने क्या मांग लिया, प्रभु मुझे जवन कुल में जन्म दे दो, मुसलमान कुल में जन्म, जिसको मृच्छ कहा जाता है, है? और मृच्छ कुल में जन्म लिया तो उसके दैन्यता कहाँ, ब्रह्मा श्रेष्ठ। एता परांग तुनभुदो भूमिको पबद्धो गोविंद एव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा वंचन्ति जद्भवो मुने वयंचो किं ब्रह्म जन्मिर अनंत कथा रसस। उद्धव ये प्रार्थना कर, एता परांग तुनभुतो भूमिको पबद्धो, ये जो गोपियां जो है इनके जीवन सार्थक है। क्यों? एतम परांग तुनभुवो, संसार में तो शरीर धारण करने वाले अनेक तो जीव है, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किंतु कह रहे जिसके हृदय में भक्ति नहीं हुई उनके जीवन व्यर्थ है, वो शूद्र हो अथवा वो ब्राह्मण हो। कहते एता परांग तनुभूतो भूमिको पबद्धो गोविंद एवं निखिल आत्मनिरूढ़ भावा, स्वयं गोविंद के साथ ये लोग कैसे भाव, कैसे उनके संबंध रखा, आत्मनि अपने प्रियत ऐसे भाव परांग तुनभुदो गोविंद गोपीभूद गोविंद एवं निखिल, जो समस्त प्राणियों में भी रहने वाले हैं भगवान परमात्मा रूप में, सब जीवन परमात्मा रूप में है कि नहीं है? और ऐसे संग भगवान कृष्ण गोपियों के साथ कैसे प्रेम विहार आदि करें। एता परांग तुनभुतो गोपी भू गोविंद एवं निखिल आत्मनिरूढ़ भावा, और गोपियों के हृदय में देखो रूढ़ भाव उत्पन्न हो, कितने उच्च स्तर की कथा, ये उद्धव की प्रार्थना हो रही। एता परांग तुनभुवो भूमि भूभवद्दो गोविंद एव निखिल आत्मनिरूढ़ भावा वंचन्ति जद्भवो भ्यो मुनय वंच। संसार में बहुत लोग संसार को देखा, असार कुल संसार दुख रूपी विमोह का सुतंक सधर्म सुतंक सुतंक सधर्म कस कसानु लीपना, इस संसार में क्या है, कुछ नहीं, असार है। इसलिए कह रहे एता परांग तुनभु, क्यों न गोविंद के प्रति ऐसे रूढ़ भाव तक पहुंच गए। सर्वश्रेष्ठ भाव रूढ़ भाव उत्पन्न, इसलिए गोविंद ये वो भाव यही तो कहते हैं। लाभ कुछ नहीं, लाभ कुछ है, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, उच्च कुल में जन्म लिया, यह तो कि ब्रह्म पद भी प्राप्ति कर लिया, किंतु फिर ब्रह्म पद प्राप्ति करने के बाद क्या करना पड़ेगा, वो है पर ब्रह्म लोक में जो सुख आदि भोग के बाद पश्चात ये आज करना पड़ेगा है? तो ब्रह्म लोक में जाने से हमारे कुछ लाभ नहीं। और ये गोपियों की क्या की, देखो ये लोग गोविंद के प्रति रूढ़ भाव तो प्राप्ति कर रहे हैं,